नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से कथित शराब घोटाले मामले में जमानत पाकर जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। अब आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी शासित सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तक कहा है उन्होंने कि बीजेपी एक्सपोज हो रही है, उनकी सरकार एक्सपोज हो रही है शिक्षा के मामले में। क्या है पूरा मामला, आपको मनीष सिसोदिया के ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जो की गई है उसे बताकर समझाते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में न बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल बिल्डिंग है न क्लासरूम। ये रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा राज में मध्य प्रदेश के एक ही जिले में सैकड़ों स्कूलों में बच्चे पशुओं के लिए बने बाड़े में बैठकर पढ़ने की खानापूर्ति कर रहे हैं। आज दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूलों में हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सुविधाएं और माहौल दिया जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल में रखना चाहती है, क्योंकि शिक्षा की राजनीति के सामने इनकी नफरत और निकम्मेपन की राजनीति बार बार देश के सामने एक्सपोज हो जाती है। आज भाजपा ने देश भर में शिक्षा के स्तर को बद से बदतर कर देश के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। इनका मकसद ही नहीं है कि देश के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपना भविष्य संवारे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इनकी लड़ाने और बांटने की राजनीति का क्या होगा। मगर हमारा उद्देश्य भारत के हर बच्चे को विश्व स्तरीय और गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है। अब चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इसके लिए जी जान से काम करती रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि हमारे संवाददाता की छानबीन के मुताबिक गौशाला में क्लास नहीं लगती है, बल्कि गौशाला के ऑफिस रूम में क्लास लगती है। स्कूल जर्जर हालत में है और बारिश होने पर छत टपकती है, इसलिए जब बारिश होती है तो गौशाला के ऑफिस में क्लास लगानी पड़ती है। तो मनीष सिसोदिया की ओर से लिखी इस लंबी चौड़ी पोस्ट में बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने इस पोस्ट के साथ एक न्यूज आर्टिकल भी साझा किया है, जो ये दावा करता है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्कूल एक गौशाला में चल रहा है, वहां पर बच्चे जो हैं वो एक गौशाला में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस खबर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए, शिक्षा के स्तर पर सवाल उठाए हैं, और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाजपा इसीलिए जेल में रखना चाहती है ताकि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा ना मिल पाए। मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार की ओर से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है उसके बारे में भी यहाँ इस पोस्ट में जिक्र किया है और कहा कि दिल्ली और पंजाब में शिक्षा का स्तर जो है वो बदला है, वो बेहतर हुआ है, क्लासरूम स्कूल्स जो हैं वो अच्छे बनकर तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा भी मनीष सिसोदिया की ओर से शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं और उनकी ओर से शिक्षा के मुद्दे पर अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग राज्य के जो शिक्षा मॉडल हैं उसको लेकर चुनौती भी दी गई हैं। अब मामला छिंदवाड़ा का सामने आया है, जिस पर मनीष सिसोदिया की ओर से एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।